हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने ये ड्रामा सीरीज नहीं देखा है तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाओ, चेकआउट करो, वहाँ मिल जाएगा। जहाँ रॉक रिया को किडनैप कर लेता है अपने ही घर में, और यहाँ पे रिया का ब्लड चाहिए पिया के लिए, क्योंकि पिया जो है रॉक के बेबी की मम्मी बनने वाली है, जिस वजह से काफ़ी ब्लीडिंग गिरने के बाद रिया का ब्लीडिंग दिया जाना है। तभी यहाँ पे बोलती है रिया, प्लीज़ ऐसा मत करो रॉक, मेरा मत लो ब्लड, ये सेफ नहीं है। अगर पिया प्रेग्नेंट है तो जहाँ देखने को मिलेगा पिया को, जहाँ वो रॉक को कह रही होती है, तुम्हें इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ठीक, और वैसे भी मेरे पास तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ही रिया, तो टेंशन किस बात की, वो सब हैंडल कर देगी, यू डोंट वरी, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसने अपना ब्लड दिया यही बहुत बड़ी बात है। रॉक कहता है इसे देना पड़ेगा, अगर ये बेबी नहीं दे सकती है तो क्या दूसरा भी बेबी नहीं करे, इस खानदान का मुझे वारिस, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है लाने के लिए खाना। अब यहाँ पे पिया बोलती है रिया को कि तुम तो अब बेबी कंसीव नहीं कर सकती हो, तुम्हें तो पता है, तो अब इस ख़ानदान का वारिस तो मैं ही दूंगी। यहाँ पे रिया बोलती है इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी समझ में आई मेरी बात। तो पिया बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर में तो कोई नहीं बचा, ना तुम्हारे मॉम है ना तुम्हारे डैड है, और तुम कहाँ जाओगी, ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरे पैरों के नीचे ही रहना होगा। जहाँ बोलती है मेरे ग्रैंडफादर है, जो कि रॉक के ग्रैंडफादर होते हैं फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा रिया को मानते हैं। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है, जहाँ रॉक आके बहुत ज़्यादा चिल्लाता है रिया के ऊपर और उसे बेरहमी तरीके से पीटने लगता है, क्योंकि फ्रेंड रिया के हाथ में नाइफ होती है जो कि पिया को उसने मार दिया होता है। यहाँ पे कहता है रॉक, मैं 2 सेकंड के लिए बाहर गया था और तुमने क्या कर दिया, अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया होगा तो देख लेना मैं क्या करूँगा, अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आया तो आई विल डाई यू। और यहाँ पे फिर वो उसे मारता है बहुत। यहाँ पे बोलती है रिया, सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जहाँ पिया बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन हो रहा है रॉक, प्लीज़ कुछ करो, कहती है प्लीज़ मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमारा बेबी है। यहाँ पे वो बोलता है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, और कहता है मेरे नज़रों के सामने से हर जोड़िया तुम बेचारी। वहाँ पे काफ़ी डर जाती है फ्रेंड। यहाँ डॉक्टर बोलता है कि आई एम सो सॉरी, पिया का मिस कैरेज हो गया है और अब वो बेबी फ़िलहाल तो 2 साल तक ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कंसीव कर पाए, क्योंकि उसकी अंदर बॉडी जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा डाउन पड़ चुकी है। यहाँ पे डॉक्टर आता है पिया के रूम में एंड कहता है कि आपका काम हो गया है, आपने जो कहा था वही हुआ है, मैंने कह दिया, झूठा न्यूज़ दे दिया है रॉक को कि अब आपको बेबी अभी 2 साल तक नहीं हो सकता, आपका मिसकैरेज हो गया है। यहाँ पे पिया कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दूँगी। यहाँ पे पिया काफ़ी खुश हो रही होती है, पिया को फ्रेंड रॉक के पैसों से मतलब था। जिधर रॉक रिया को घसीटते हुए बेड पे पुश करता है एंड देन टाई से उसके दोनों हाथों को बांध देता है और कहता है कि तुमने मेरे वारिस को ख़त्म कर दिया, इस दुनिया से आने से पहले तुमने उसको जान मार दिया, तुम एक मर्डर हो, गर्ल हो, मेरी वाइफ नहीं। यहाँ पे रिया कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे बेबी को नहीं मारा, मैंने पिया को इंजर्ड नहीं किया। यहाँ पे कहता है रॉक कि अच्छा क्या वो पागल थी जो खुद से ही अपने आप को और अपने बच्चे को मारती। यहाँ जो है रॉक रिया के साथ मिसबिहेव करता है, रिया कहती है मैं तुम्हें कभी भी ऐसा करने नहीं दूँगी। यहाँ पे कहता अच्छा तो तुम मुझसे जीतना चाहती हो इस रेस में, लेकिन रिया मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे रिया काफ़ी कफ करने लगती है एंड देन उसके माउथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जैसा कि फ्रेंड उसे तो बीमारी है ये बात तो पता नहीं है फिलहाल रॉक को। यहाँ पे वो देखता जहाँ उसे हॉस्पिटलाइज करवाता है और यहाँ पे रिया भी होश हो जाती है, काफ़ी डर जाता है रॉक। तभी डॉक्टर आता है और डॉक्टर जो है रिया के रिलेटिव में से था, उसके अंकल का सन होता है। यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि आप रिया के हस्बैंड हैं, कहता है हाँ उसे क्या हुआ। यहाँ पे कहता है क्या आपको नहीं पता है, उसे कैंसर है और उसको बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ की ये ज़रूरत है कि वो सही हो, ना कि उसको इस तरीके से
वो किसी हैरिस या टेंशन में आए। यहाँ पे रॉक शॉक में हो जाता है कि उसे ब्लड कैंसर कब से हुआ, ये बात तो उसे पता भी नहीं थी, उसने छुपा के रखा। कहीं ना कहीं रॉक को लगता है कि रिया ये सब रॉक के लिए कर रही है, उसे सिर्फ झूठ बोलने के लिए। यहाँ पे उसे ये लगता है, डॉक्टर की बात पे ज़्यादा वो खास ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं था रिया के ऊपर। फ्रेंड, हमेशा अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करना चाहिए अगर आप सही हो तो। यहाँ पे बोलती है रिया कि तुम प्लीज़ रॉक को कुछ भी मत बताना मेरे बारे में, कि मेरे पास कितना वक्त है, क्या मैं बेबी कंसीव कर सकती हूँ या नहीं, प्लीज़ उसे कुछ मत बताना। यहाँ पे डॉक्टर कहता है ठीक है, वो कहता है मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ तुम्हारा, एंड देन देखते हैं क्या प्रोसेस है। एक होप है ऊपर वाले का कि अगर तुम ठीक हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे डॉक्टर भी काफ़ी सैड हो जाता है। तभी यहाँ पिया आती है रिया से मिलने के लिए और कहती है क्या हुआ तुम मुझे मारते मारते, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कैंसर है, ओहो मुझे पता चला, यानी कि तुम मरने वाली हो, मेरे मरने से पहले ही तुम मर जाओगी, तब तो अच्छी बात है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो उसके नेटर्स को फ्रेंड काफ़ी बुरी तरीके से पुश करती है, जहाँ बेचारी रिया का काफ़ी ब्लीडिंग बहने लगता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है रिया को। लेकिन फ्रेंड पिया की ये हरकत वो खामोशी से सह लेती है। यहाँ पे वो बोलती है चलो अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक, मर जाओ तो अच्छा है, और वैसे भी रॉक को तो बेबी मैं ही दूँगी तुम नहीं। यहाँ पे बोलती है रिया तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों नहीं मेरी लाइफ से दूर हो जाती हो। यहाँ पे बोलती है पिया अब तो वैसे भी तुम सबकी लाइफ से दूर होने वाली हो। तभी यहाँ पे वो उसको पुश करती है रिया और कहती है जाओ यहाँ से। तभी वहाँ रॉक आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है ये सब क्या हो रहा है, और यहाँ पिया जानबूझ के गिर जाती है। यहाँ पे बोलता है ये क्या कर रही हो रिया तुम पिया के साथ, अभी अभी उसका बेबी ख़त्म हुआ है तुम्हारी वजह से, तुमने उसी के बेबी को मार दिया, और तुम्हें अगर वो तुमसे मिलने आई तुम्हारी बीमारी को जान के तो तुम इस तरीके से उसके साथ करो। रिया कहती है मुझे तुम दोनों को मैं किसी को नहीं दिखना, चले जाओ यहाँ से बहुत दूर, और तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है तो जॉब बना लो। यहाँ पे वो बोलता है ठीक है ऐसी बात है तो देखो। यहाँ पे रिया बोलती है प्लीज़ समझो रॉक, पिया तुम्हारे साथ गेम खेल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फ्रेंड रॉक के आँखों में पर्दा था पिया के लिए, और यहाँ पे रिया को वो एक स्लैप मारता है और कहता है कि तुमने मेरे वारिस को ख़त्म किया, एक तो खुद बेबी नहीं कर सकती हो और मेरे वारिस को भी ख़त्म करवाती है। इतना मार के वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ बेचारी रिया भी होश पड़ी होती है, जहाँ उसका फ्रेंड आता है डॉक्टर और उससे होश में लाने की कोशिश करता है, जहाँ काफ़ी बुरी तरीके से रिया इंजर्ड हो चुकी होती है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम ऐसे हस्बैंड के साथ कैसे सरवाइव कर रही हो रिया, तुम तो ऐसी नहीं थी, छोड़ क्यों नहीं देती। तभी यहाँ पे रॉक आता है और आधा अधूरी बात सुन के कहता है कि क्या चल रहा तुम दोनों का अफेयर था, मुझे शुरू से डाउट था तुम्हारे ऊपर रिया और इस डॉक्टर पे, और आज वो सामने आ गया मेरे। यहाँ पे बोलता है डॉक्टर तुम्हें शर्म आना चाहिए रॉक की, तुम अपनी वाइफ के बारे में इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। आगे क्या करेगा रॉक रिया के साथ ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड।